Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra, I'm an overseas education consultant and a career counselor. सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि ओवरसीज एजुकेशन से लिंक कोई भी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच चुके। जैसा कि आप सब जानते हैं और अभी का जो सीन है बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, पर्टिकुलरली कनाडा को लेके। कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उसमें 70% का रिजेक्शन रेट चल रहा है। तो इस पॉइंट को मैं कवर करना चाहूँगा बिकॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे जो स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं वो लोग भी डीमोटिवेट हो रहे हैं बिकॉज उनकी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद, आयल्स में अच्छा स्कोर होने के बावजूद, प्लस टू में या ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर होने के बावजूद, अच्छी कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कनाडा स्टडी परमिट का रिजेक्शन आ रहा है। तो पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं कि रिजेक्शन आखिर क्यों आ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दो तीन रीजंस हैं मेनली। एक्चुअली 2020 से जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ तब से बहुत सी ऐसी प्रोफाइल्स थी स्टूडेंट्स की जो कोविड के चलते अनसर्टेनिटी होने के चलते उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया या प्रोफाइल जो उनकी थी उसको डेफर करवा लिया, ऑफ़र लेटर्स को डेफर करवा लिया। तो पहला रीज़न तो ये हुआ कि बहुत सारा बैकलॉग हो गया एंड नेक्स्ट ईयर 2021 में जो पास आउट हुए स्टूडेंट्स फिर उनकी एप्लीकेशंस आई। सेम टाइम पे फिर अफगानिस्तान का इशू आया, उसके चलते रेफ्यूजीज़ को पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। अभी यूक्रेन रशिया वॉर का इशू चल रहा है तो इसके चलते यहाँ के रेफ्यूजीज़ को उन लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसा होते होते देखा गया कि करीब 20-25 लाख एप्लीकेशंस जो हैं अलग अलग तरह के वीज़ा प्रोफाइल की, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, सब मिला जुला के PR वगैरह सब बैकलॉग में चला गया। तो इसके चलते इनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ गया। जो कैनेडियन इमिग्रेशन एजेंसी है IRCC उनका लोड बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस लोड को कवर करने के लिए व्हाट दे डिसाइडेड वाज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा एंड इन्होंने न्यू टीम भी रिक्रूट की। अब हुआ ऐसा कि जब इन लोगों ने अपनी टीम बनाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना शुरू किया तो अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स भी जो थी वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होना शुरू हो गई। इसके चलते एक बहुत ही ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया एंड पीपल आर गेटिंग डीमोटिवेटेड और अजीब अजीब प्रोफाइल्स जिनको कभी वीज़ा नहीं मिलना चाहिए उनको अप्रूवल आने लग गया, वेयर एज अच्छी प्रोफाइल्स को जो अप्रूवल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो रैंडम रिफ्यूजल्स आना शुरू हो गया। एंड सेम टाइम पे अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिंग टाइम की तो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी आर सीइंग इज कि प्रोसेसिंग टाइम अचानक से 4 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने का हो गया। लेकिन लास्ट 2-3 वीक से हम लोग देख रहे हैं कि सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग, सिचुएशन इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को देखने को मिला है लास्ट 2-3 वीक्स में वो ये देखने को मिला है कि जो PPR रिक्वेस्ट ऑनलाइन होती थी और आपको कोरियर के थ्रू से ही पासपोर्ट सबमिट करना होता था दैट हैज़ बीन टेकन बैक टू हाउ इट यूज़ टू बी प्री कोविड एरा। मतलब आप VFS ऑफिस जाके अपॉइंटमेंट लेके अपना वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट करा सकते हैं अगर वीज़ा अप्रूवल आए तो इट्स अ गुड साइन एंड धीरे धीरे सिचुएशन इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। सो व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग इज जैसे जैसे ये बैकलॉग्स हटते जाएंगे और जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आती जा रही है और बैकलॉग्स कम होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली जो वीज़ा का रिफ्यूज़ल रेट है वो नीचे हो जाएगा एंड रिजेक्शन आना कम हो जाएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय लेट्स से मिड ऑफ दिसंबर जो आपकी जो वीज़ा रिफ्यूजल्स है वो काफ़ी कम हो जाए। आई होप आपको हमारा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन से, अपने कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं उसमें जाके आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम लोग आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें और सेम टाइम मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम लोगों को सिर्फ ऑफिस आवर्स के दौरान ही कॉन्टैक्ट करें, मंडे से सैटरडे 10 AM से 7 PM ताकि एज सून एज पॉसिबल हम लोग आपको रिवर्ट बैक कर सकें।